हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर अभी तक हाई गया है 4174.55, लो गया है 4083 एंड आज के डेट पे अभी तक इस शेयर ने आपका लगभग रिटर्न दिया है 0.4445% का। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹4092.93 इसी रेंज पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹24,315.36 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹24,404.99 करोड़ एंड पीई रेशियो है 141.39। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹130.56 करोड़ का। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.27। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.17। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹28.98, रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.25% एंड ROCE है 33.32%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 37.40% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 54.56%। ये जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है 42.56%, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 34.30%, FII का होल्डिंग है 15.08% एंड DII का होल्डिंग है 8.07%। तो देखिए, प्रोमोटर्स का होल्डिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, अगर मिनिमम 40 होता तो अच्छा होता। लेकिन एक अच्छा बात है, देखिए ये जो आपका 34.30% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें लेकिन कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो आपका पूरा जीरो है। ओके, और एक चीज देखिए, ये कंपनी आपका हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 604.54% का। और एक चीज देखिए, जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट पे वेरी बुलिश है। एक बार आपका वीकली चार्ट में भी देख लेंगे। ओके, एक मिनट देखिए, वीकली चार्ट थोड़ा सा ओपन होने दीजिए। तो देखिए, वीकली चार्ट में ये शेयर आपका बुलिश है, एक बार मंथली चार्ट भी देख लेंगे, मंथली चार्ट में आपका न्यूट्रल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, यहाँ पे ये आपका है 2 अगस्त 2022 का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लाइन है, जिस लाइन को इस शेयर ने अभी तोड़ भी दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये शेयर आपका डेली चार्ट के हिसाब से अभी आपका 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये आपका है जुलाई 2022 का आपका थर्ड वीक, यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। ओके, अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी अपटेन हो चुका है, लगभग 60 का जो लेवल है उसके नजदीक भी पहुंच गया है। MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही है। मतलब आपका वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका रुपीज 4,093.92, अगर इसी रेंज पे लगभग इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 4 से 5 महीने में ये शेयर आपका रुपीज 5,000 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।